तुम लोग जल्द पहली के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं साइंस के, उसमें एक अगला क्वेश्चन लेके आए हम आपके लिए। एक 10 किलोग्राम का पिंड पृथ्वी पर टकराते समय कितना बल आरोपित करेगा? तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों को बल की गणना करनी है। वैसे बल चैप्टर भी, बल टॉपिक भी आप लोगों ने गति के अंतर्गत ही पढ़ रखा है अपने, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, चाहे पीछे आप लोगों ने 10th 9th में जहाँ भी पढ़ाई की है साइंस की, तो ये बल भी गति का ही टॉपिक है। तो बल का सूत्र हमारे ख्याल से आप सब लोगों को पहले से याद है कि सर बल बराबर होता है द्रव्यमान और गुणा में त्वरण। कुछ लोग विस्थापन बोलते हैं, तो आपको विस्थापन नहीं बोलना है, त्वरण बोलना है, ठीक है। तो हम लोगों से बोला गया है कि जब कोई वस्तु, मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, जब कोई वस्तु यहाँ से कहीं से छोड़ी जाएगी पृथ्वी पर, अगर दब गिरेगी तो पृथ्वी, हम लोग देखते हैं धूल उड़ती है, पृथ्वी नीचे को दबती है, जो भी है, मतलब कोई ना कोई बल तो लगेगा, ठीक है। तो जो बल है उस वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा, और उस वाली स्थिति में त्वरण क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो हम लोगों को बल का मान निकालना है इस वाले क्वेश्चन में, चलो तो वहीं जाके कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोगों को बल का मान निकालना है, जो पिंड हमने गिराया है उसका द्रव्यमान तो आपको 10 किलोग्राम दिया है, ठीक है। तो आप द्रव्यमान की जगह पे कितना रख देंगे, 10, और किलोग्राम ऐसा ही मात्रा है, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। अब आप लोग बोलेंगे सर त्वरण नहीं है, पर हम लोगों को एक चीज़ दी गई है, सबसे अच्छी चीज़ पृथ्वी, और हम लोगों को पता है पृथ्वी पर त्वरण, जब पृथ्वी के साथ में त्वरण यानी कोई वस्तु काम करती है तो उस पर पृथ्वी का त्वरण काम करेगा, जो कि आपको कितना याद है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको अपने मन से जी कभी कभी सवाल में दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया, तो हम लोगों को याद तो करके जाना ही है। तो पृथ्वी का त्वरण, जी का मान, पृथ्वी की ओर आ रही वस्तु, तो आपको प्लस में 9.8 त्वरण ही लेना है। तो ये प्लस माइनस की ज़्यादा चर्चा नहीं करते, वैसे अच्छा हल्का सा बता देते हैं कि जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आएगी, पृथ्वी पे टकराने को आ रही है, तो आपको जी का मान जो आप लोगों को याद है 9.8 त्वरण का मान, तो वो प्लस में लेना होता है। जब कोई वस्तु आप पृथ्वी से उछाल दोगे ऊपर की ओर, तो पृथ्वी से दूर जब जाओगे तो आपको जी का मान माइनस में लेके चलना होता है, ठीक है। तो ये वाला इतनी डीप की चीज़ कम ही आती है, फिर भी आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो जब इसका आप गुणा करेंगे तो 9.8 में जब 10 का गुणा हो तो पूरा कितना होगा, 98, और बल का मान आने वाला है, तो बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। तो हम लोगों को 98 न्यूटन अपने किसी भी ऑप्शन में जिसमें लिखा होगा चुन के आंसर लगा देना है। तो कुछ खास नहीं था क्वेश्चन, बस यहाँ पे एक वैज्ञानिकता का आप लोगों से मांग की गई है कि वस्तु पृथ्वी पर टकरा रही थी, आपको त्वरण की वैल्यू नहीं दी गई थी, तो आपको अपने मन से वो क्या रखना था, 9.8, और सूत्र आप लोगों ने पहले से ही याद कर रखे हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। जितनी जी क्वेश्चन अभी भी आपको देखने को मिलेंगे, बस आपको सूत्र याद करके जाना है, उन पे सही जगह पे सही वैल्यू यूज करनी, और सबसे बड़ी बात आप लोगों को मात्रकों का उपयोग करना सीखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लिया गया है किसी व्यक्ति द्वारा 20 जूल, अब जूल मतलब होता है, अच्छा साफ लिखा भी है ऐसे, 20 जूल के कार्य, किसी व्यक्ति द्वारा 20 जूल के कार्य द्वारा किसी वस्तु को, मानिए आप ये वस्तु हो गया है, किसी वस्तु को 20 मीटर तक विस्थापित किया जाता है, तो वस्तु व्यक्ति द्वारा आरोपित बल की गणना करनी है आपको। तो इस बार बल की गणना तो करनी है, लेकिन आपको इस बार पीछे हम लोगों ने देखो, पीछे अभी याद किया हम लोगों ने कि बल बराबर होता है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, द्रव्यमान गुणा त्वरण, सीधा आपको ये बात हमारे ख्याल से इतना याद है, F बराबर आप लोग M याद करके बैठे रहते हैं, जहाँ पे M द्रव्यमान है, A एक्सेलरेशन है, त्वरण है। तो हम लोग यदि इसकी सहायता से आंसर निकालना चाहते हैं बल का, तो हम लोग को द्रव्यमान और A मतलब त्वरण का मान पता होना चाहिए। तो A का मान तो आप चलो आप बोलोगे सर 9.8 रख लेंगे, लेकिन इस बार पृथ्वी की चर्चा भी नहीं है, आप 9.8 नहीं रखोगे, और कहीं भी हम लोगों को वस्तु का द्रव्यमान नहीं दिया गया है। तो आपने फिर अगला ध्यान जाएगा आपका इस वाले सवाल में दिए गए कार्य पे। और हम लोगों को अब ये चीज़, नई चीज़ याद है हम लोगों को पहले से ही, कि कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य का सूत्र होता है बल, और जब किसी वस्तु पे आप बल लगाते हैं तो वो अपनी स्थिति चेंज कर सकती है, मतलब उसकी स्थिति चेंज होगी, अर्थात उसमें आ जाएगा विस्थापन। तो बल गुणा विस्थापन आपको इसका उपयोग करना है। तो हम लोगों को देखो, हम लोग अब क्या देख रहे हैं कि कार्य का आप लोग सूत्र उपयोग करने वाले हैं, उसमें से निकालेंगे क्या, तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर बल से हम लोग केवल बल के सूत्र से ही बल निकाल सकते हैं, हम तो इस सूत्र से कार्य भी निकाल सकते हैं, बल भी निकाल सकते हैं, विस्थापन भी निकाल सकते हैं। बस शर्त क्या है, आपको जिस चीज़ का मान निकालना, उसके अलावा बाकी की चीज़ें दी गई हों। तो आप देखेंगे हाँ हम लोगों को दिया गया है कार्य का मान कितना दिया है, 20 जूल, तो आप यहाँ पर कार्य की जगह पर 20 रख देंगे, ठीक है। बल का मान हम लोगों को निकालना है, बल को हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे F लिख देते हैं समझाने के लिए फिलहाल, ताकि जल्दी हो जाए। और वस्तु कितनी विस्थापित हो रही है, 20 मीटर ही विस्थापित हो रही है, तो आप यहाँ भी क्या रखेंगे, 20 मीटर।
तो जूल भी हम लोगों का किस में दिया था, एसआई मात्रक में, और हम लोगों को विस्थापन दिया है मीटर, वो भी क्या है लंबाई या दूरी का, एसआई मात्रक है। तो 20 से 20 पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल, और एफ की वैल्यू मात्र कितनी मिलने वाली है आपको, एक, और एफ क्या है बल, और बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, न्यूटन, तो आप इस बार केवल एक न्यूटन, तो आपको केवल एक न्यूटन का बल देखने को मिलेगा। जी हम लोग एक न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगा देते हैं, 20 जूल का कार्य कर लेते हैं, तो वस्तु इतने में ही कितनी विस्थापित हो जाएगी, 20 मीटर। बस वस्तु हो सकता है बहुत छोटी होगी, उसकी गणना आपको यहाँ पर नहीं करनी है। तो इतनी जी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बस हम आपको ये वाली चीज़ ध्यान देने के लिए बोलते हैं कि बल का मान केवल बल के इस व्यंजक से नहीं, जहाँ जहाँ भी बल था वहाँ वहाँ से भी आप बल की गणना कर सकते हैं। जैसे आप लोगों, कुछ लोगों को हमारे ख्याल से याद है कि दाब या प्रेशर, प्रेशर का सूत्र क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो वहाँ से भी आप किसकी गणना कर सकते हैं, बल की गणना कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से घुमा फिरा के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको सही प्रकार से सोचते समझते आने चाहिए और सही जगह पर मान रख के उत्तर निकालते आने चाहिए, ठीक है। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है 60 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है, छोटी सी गलती है, इनको आप ज़्यादा ध्यान मत दें, आधा काम आना है इसको। 60 किलोग्राम का व्यक्ति दौड़ते समय 480 जूल का कार्य करता है, तो व्यक्ति का वेग आपको ज्ञात करके देना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को छोटी सी नई चीज़ सुझाई गई है कि 60 किलोग्राम का व्यक्ति दौड़ रहा है, और दौड़ते समय काम भी हो रहा है, मतलब दौड़ते समय वो कोई ना कोई, जब हम चलेंगे तो दौड़ना भी तो एक काम है, क्रिया है, तो 480 जूल का कार्य कर दे रहा है, तो व्यक्ति का वेग ज्ञात करना है। तो हम लोग अब सोचेंगे वेग बराबर तो क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, उसकी भी हम लोग यहाँ पे गणना नहीं कर पाएंगे। वेग की गणना करनी है आपको, वेग का सूत्र आपको याद है विस्थापन और बटे में समय। तो ये प्रैक्टिस थोड़ी सी आपको घर से करके ध्यान जानी है, फिर हमें ही इस वीडियो को आप थोड़ा सा 2-3 बार देख लें, आप जल्दी जल्दी इन चीज़ों को सोच पाएंगे कि हाँ ऐसा क्यों नहीं हम लोग कर पाते, क्योंकि हम लोगों को वेग की गणना करने को बोला गया, वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। अब यहाँ पर ना विस्थापन की चर्चा है ना समय की चर्चा है, ठीक है। अगली चर्चा हो रही है यहाँ पर 60 किलोग्राम का व्यक्ति दौड़ रहा है 480 के जूल का कार्य करता है, तो आपको कार्य का सुझाव आपको लगा, कार्य का इसमें फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो आपको पीछे कार्य का सूत्र क्या बताया गया है, बल और गुणा में विस्थापन। अब विस्थापन को शॉर्ट फॉर्म में बी लिखते हैं, आप लोग हमारे ख्याल से इसको एफ इंटू डी याद किए बैठे हो, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी शॉर्ट फॉर्म में ये याद लिखा होता है हम लोगों की किताबों में, तो एफ इंटू डी। तो अब एफ की बात होती तो यहाँ पे हम लोगों को फिर से ना बल की चर्चा है ना विस्तीफा विस्थापन की चर्चा है, तो अब क्या किया जाएगा। तो हम लोगों को अचानक ही याद आएगा, हाँ हमारे सर ने बताया है, हम लोगों ने किताब में पढ़ रखा है कि कार्य का मात्रक भी जूल है और ऊर्जा का मात्रक भी क्या है, जूल है, मतलब कार्य करते समय ऊर्जा खर्च होती है, अर्थात कार्य ही क्या है, आप बोलेंगे कार्य ही ऊर्जा है, तो ऊर्जा बराबर ही क्या होता है, कार्य होता है। आप लोगों को याद है ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं, एक होता है कौन सा, स्थितिज ऊर्जा। तो इतनी छोटी थोड़ी सी प्रैक्टिस में आप घर से करके जाएं, परीक्षा में सवाल देखते ही आपका दिमाग क्लिक करेगा, दुनिया की सबसे तेज चीज, मन से भी ज़्यादा तेज होता है दिमाग, इस चीज़ पे आप ध्यान दें, मन तो कुछ होते नहीं सब दिमाग होता है, फिर उसी को आप मन बोल देते हैं दिमाग को। तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता है हमारे ख्याल से एम जी एच के तो अभी चले गए एक्सपायर होंगे, तो उनसे क्वेश्चन भी बन सकता है, समसामयिकी में आप ध्यान दे सकते हैं, बाकी यहाँ पे है एम जी एच, तो एम का मतलब द्रव्यमान, जी का मतलब फिर से वही गुरुत्वीय त्वरण, एच का मतलब ऊंचाई, तो यहाँ पे ना द्रव्यमान दिया है अच्छा ठीक है, पर h ऊंचाई व्यक्ति की नहीं दी गई है। तो आप गतिज ऊर्जा के पास जाके देखेंगे आप 1/2 m v स्क्वायर, तो m का मतलब क्या है, फिर से द्रव्यमान, तो द्रव्यमान दिया गया है हम लोगों को, v का मतलब वेग, हम लोगों को निकालना है, और कार्य हुआ है, और कार्य ही क्या है, ऊर्जा। तो इस सवाल में आप लोग ना इस सूत्र का उपयोग कर पाए ना इस सूत्र का उपयोग कर पाएंगे, आप किसका सूत्र का यूज करेंगे, गतिज ऊर्जा का। तो बस एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि कार्य ही क्या है, ऊर्जा, और ऊर्जा के भी कितने सूत्र आपको याद हैं, एक स्थितिज ऊर्जा वाला और एक गतिज ऊर्जा वाला, और इसको भी आप जल्दी आप परीक्षा में कैसे पिक करेंगे, सर हमारे हके हर बार ऐसा ऐसा तुलना करके देखेंगे, तो आप देखेंगे बोलेंगे यहाँ पे सर व्यक्ति दौड़ रहा है और दौड़ते समय उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, तो आप बोलेंगे गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे कार्य के बराबर में कार्य को ही बांधेंगे ऊर्जा, और ऊर्जा कौन सी ऊर्जा दी गई इस सवाल में आपको, गतिज ऊर्जा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको सोचना है, अब आगे का कैलकुलेशन तो हम लोग काफ़ी आसानी से कर लेंगे। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र हम लोगों को याद है हाफ या 1/2 mv² तो इस नीचे की चीज़ को हम मिटा देते हैं, माना कि आप लोग समझ चुके हैं, बोर्ड पे थोड़ी सी जगह चाहिए है,
तो आप 1/2 जय का तंत्र लिखेंगे। एम का मान कितना दिया 60 किलोग्राम, किलोग्राम ऐसा ही मात्रा का द्रव्यमान का, ऐसा ही मात्रा जरूर रिवाइज कर लें एक बार, सीधे भी पूछे जा सकते हैं हम लोगों से परीक्षाओं में। वी का मान हम लोगों को निकालना है और गतिज ऊर्जा का मान कितना दिया हम लोग को 480 जूल, और जूल भी ऐसा ही मात्रक है, इसको आप 2 से काट देंगे, यहाँ पर 2 की घात लगानी, 2 से काट देंगे तो 130 बार कटेगा और वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 480, और ये जो हमारा 30 है वो 13 गुणा होकर नीचे आ जाएगा, तो 480/30 00 कट जाएगा और 3 से कितने बार कटेगा 16 बार, तो 16 वैल्यू हो जाएगी हम लोगों के वी स्क्वायर की। तो वी की वैल्यू 4 स्क्वायर से इसका स्क्वायर छोड़ दी हमने, तो वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मात्र 4। तो और जो वी मतलब वेग है, और वेग को आप किस में डिनोट करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में, किलोमीटर प्रति घंटे नहीं बोलेंगे, भले आपने गलत में किलोमीटर प्रति घंटे बोला है, हमें याद होना चाहिए वेग का ऐसा ही मात्रक क्या है किलोमीटर प्रति घंटे, और वेग का सूत्र क्या है विस्थापन मतलब दूरी या लंबाई, तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक है मीटर और समय का मात्रक है सेकंड ना कि घंटे, तो आपको मीटर प्रति सेकंड में ही आंसर चुनना है। तो ये मात्रक वाली चीज़ भी ध्यान देना है, कई बार हमें पता है आप लोगों को बहुत से क्वेश्चन पहले से बनते हैं तो, लेकिन कई बार सही आंसर नहीं मिलते हैं, उसका मेन कारण होता है हम लोग ऐसा ही मात्रक में या फिर एक समान मात्रकों का उपयोग नहीं कर रहे होते हैं। बस यहाँ पे एक कीवर्ड हमने कौन सा यूज किया है, कार्य ही ऊर्जा है, ठीक है, कार्य ही ऊर्जा है, तो हमने यहाँ पे कार्य की जगह पे ऊर्जा का सूत्र यूज किया है, जबकि सवाल में दिया है कार्य, तो उनकी इसी सवाल को इजी बनाने के लिए वो ऐसा लिख सकते थे कि 60 किलोग्राम का व्यक्ति दौड़ते समय 480 जूल का कार्य करता है, ठीक है, तो 780 जूल का कार्य की जगह ये लिख सकते थे 480 जूल की ऊर्जा खर्च करता है, तो आप शायद सीधा पकड़ लेते, उनने कार्य लिख के हम लोगों का वहाँ पर समय और कॉन्सेंट्रेशन खराब करने की कोशिश की थी, और वो चाहते हैं कॉम्पिटिशन इतनी है छटनी कैसे की जाए, और इजी भी पूछना है क्योंकि 10th लेवल का पेपर है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो एक घोड़ा 40 वाट की शक्ति से 10 न्यूटन का बल 20 सेकंड तक किसी वस्तु पर आरोपित करे तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा। तो अब यहाँ पे आप लोगों को क्या सोचना है, वस्तु का विस्थापन निकालना है, विस्थापन तो हम लोगों को विस्थापन निकालना है, ठीक है, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर सीधे आप देख पाओगे, इस बार हमने लिख दिया है वाट, वाट किसका मात्रक है, तो यहीं पीछे लिखा है शक्ति, तो हमने सवाल को ज़्यादा एक्सप्लेन करके दे रखा है क्योंकि अभी हम लोग एक प्रकार से अपना इंट्रो वीडियो बना रहे हैं साइंस का, तो और ऊपर से एक रैपिड वीडियो भी, ताकि आप लोग अगले आने वाले 8-10 दिनों में जो भी आपकी परीक्षा है उनमें आप जल्दी जल्दी पिक कर सकें। तो वाट तो परीक्षा में हो सकता है आपको केवल वाट लिखा आएगा, शक्ति लिखा नहीं आएगा, तो वाट मात्रक है शक्ति का, और आप लोगों ने हमारे ख्याल से शक्ति का सूत्र भी याद कर रखा है, शक्ति या पावर का सूत्र भी याद कर रखा है, शक्ति बराबर होता है या फिर कार्य करने की दर को ही हम लोग क्या करें शक्ति अर्थात कार्य, और बटे में समय को ही हम लोग क्या कहते हैं शक्ति कहते हैं, ठीक है, इस पर इसका उपयोग करना है। अब लेकिन हम लोग बोलेंगे, आप लोग हमसे बोलोगे कि सर कार्य का मात्रक तो होता है जूल, और यहाँ पे कहीं हम लोगों को जूल नहीं दिख रहा है, और ऊपर से विस्थापन पूछा है, यहाँ पर विस्थापन नहीं है, तो आपको तुरंत फिर से याद आया है सर आपने ही हमें बताया कि इसको फार्मूलों को और तोड़ें, ठीक है, तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को पता है कार्य को ही आप लिखते हैं क्या बल गुणा विस्थापन, इसी को लिखते हैं आप बल गुणा विस्थापन, और बटे में क्या है समय। तो अब हमने यदि थोड़ा सा इसको तोड़ के देखा तो शक्ति का मात्रक है, हम शक्ति का सूत्र हम लोग कार्य बटे समय, और कार्य को ही लिखते हैं आप बल गुणा विस्थापन, तो आपने कार्य को उसके और अंदर के घटकों में तोड़ दिया, कभी कभी बल को भी तोड़ना पड़ सकता है, तो अभी कल एक स्टेप अंदर लेके गए हैं हम आपके लिए, तो आपको बल के रूप में न्यूटन 10 न्यूटन दिया गया है, विस्थापन हम लोगों को पता करना है, समय कितना दिया है 20 सेकंड, तो आप इस बीच वाली चीज को आप गायब करके इन दोनों को सीधे इक्वल लेके आप यूज करें, तो शक्ति का मान हमें कितना दिया है 40 वाट, ऐसा ही मात्रक है सबको याद है, बल का मात्रक कितना दिया हमने आपको 10 न्यूटन, विस्थापन की वैल्यू हम लोगों को, विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट डी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, और समय हम लोगों को कितना दिया 20 सेकंड, तो 0 0 आपने काट दिए हैं, और 40 दूनी कितना हो जाएगा 80, तो D की वैल्यू हो जाएगी 80, और विस्थापन किस में लिखा जाएगा M फॉर मीटर में। तो इस सवाल में कौन सी चीज़ हमने बस एक एक्स्ट्रा डीप की चीज़ बताने की कोशिश की आप लोगों को कि सवाल में हम लोगों को शक्ति का उपयोग करने की बात कही गई, शक्ति का सूत्र आपको याद था कार्य बटे समय, लेकिन आपको कहीं भी कार्य नहीं दिखा, तो आपके मन में तुरंत ख्याल आना चाहिए आप कार्य को तो और तोड़ सकते हो किस में बल गुणा विस्थापन में, क्योंकि आपको यहाँ पर बल के रूप में न्यूटन दिया है और विस्थापन पूछा है, तो शक्ति के सूत्र से आपने विस्थापन निकाल के दिखाया है। थोड़ी सी प्रैक्टिस इन वाले क्वेश्चन में तो आप 10 में से 12 नंबर पा सकते हैं, 10 में से 12 कैसे, आप 10 क्वेश्चन करोगे आगे के 2 क्वेश्चन के लिए आपके पास नया आत्मविश्वास खड़ा हो जाएगा, और कठिन से कठिन आप मैथ्स के और इंजीनियरिंग के क्वेश्चन भी हल कर पाएंगे।
तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना, इसलिए और आगे बढ़ते हैं। देख देख के आप फिर से रिवीजन करना। अब क्या दिया हम लोग, किसी द्रव द्वारा, द्रव मतलब लिक्विड, कोई बहने वाली चीज़ द्वारा बर्तन के पृष्ठ पर समान 400 पास्कल, तो अभी पीछे हमने दाब की बात की थी, तो यहाँ पर ये लो लौट के आ गया है पास्कल का दाब। कई बार परीक्षाओं में दाब लिखा नहीं आएगा, 400 पास्कल आरोपित किया जाता है, तो आपको ये समझना है पास्कल क्या है, दाब। अगर क्वेश्चन का फ्लो नहीं बन रहा होता अच्छा, तो हमने पूरा लिखा है 400 पास्कल का दाब आरोपित किया जाता है यदि द्रव का घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी, ठीक है, 8 किलोग्राम मीटर क्यूब हो। तो यहाँ भी हमने ऐसा ही मात्रा का उपयोग किया, भी मात्रक हमने सारे इजी यूज किए हैं आप लोगों के लिए। तो बर्तन में द्रव की ऊंचाई क्या होगी, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या यूज करना है, दाब का सूत्र। अब लेकिन दाब का सवाल में चर्चा तो हुई है, तो हम लोगों को सामान्यतः दाब का सूत्र तो क्या याद कराया गया, हमने पीछे ही आपसे बोला था बल बटे क्षेत्रफल। तो इस सवाल में तो हम इसके उपयोग होते हैं कि कोई गुंजाइश दिखी नहीं रही है, बल बटे क्षेत्रफल, क्योंकि आपको बल पूरे सवाल में नहीं दिया गया है। क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, फिर किस चीज़ का क्षेत्रफल, ये भी आपको नहीं बताया गया है। तो फिर आपको एक और सूत्र याद है, हमारे ख्याल से सभी इजी किताबों में मिलता है, छोटी किताबों में मिल जाता है, द्रव या लिक्विड का दाब, द्रव का दाब, जो कि आप लोगों ने हमारे ख्याल से ऐसा कुछ लिखा देखा है, HD और जीओ। जी फिर से क्या है, क्योंकि कोई भी द्रव है बहेगा तो पृथ्वी पर, तो पृथ्वी जो है हर चीज़ को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है, किस शक्ति से, अपने त्वरण से, तो त्वरण, तो जी क्या है आपका, ग्रेविटेशनल त्वरण, या फिर स्मॉल जी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एच क्या है, उस द्रव की ऊंचाई, जहां तक हमें वही निकालनी है क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर, बर्तन में द्रव की ऊंचाई निकालनी है। इसको यदि हम चित्र से समझाने की कोशिश करें इस प्रकार से कि मानिए हमारा कोई बर्तन है, इसमें हमने नीला पानी भर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो पानी है इस बर्तन को नीचे की ओर दबाने की कोशिश करेगा, तो इस पर जब वो दबाएगा तो दबाने पे एक दाब लगेगा, ठीक है, तो वो दाब जो है किस किस पर डिपेंड करता है, इस पानी, इस बर्तन के अंदर भरे पानी की ऊंचाई पर। पानी किस प्रकार का भरा है आपने, यानी लिक्विड जो है वो किस प्रकार का पानी है, कि आपने हो सकता पारा भर रखा है, कि कोई आपने पिघला हुआ कांच भर रखा है, तो हर एक पदार्थ का, फिर हर एक तत्व का, तत्व नहीं बोलना चाहिए, हर एक चीज़ का अपना अपना घनत्व, तो घनत्व पर डिपेंड करेगा, तो आपने घनत्व भी दे रखा है, ठीक है, और जो चीज़ नीचे की ओर जा रही है तो उसको नीचे की ओर कौन खींच रहा है, तो आप बोलेंगे सर इसको पृथ्वी खींच रही, जी, तो इसकी ये एच पर डिपेंड करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो इसकी लंबाई होगी वो कहलाएगी एच, ठीक है, इसकी कोई ना कोई इस द्रव की हुई डेंसिटी। इस प्रकार से आपको इसको समझाना है, तो हम उसी सूत्र का यूज कर लेते हैं, दाब, तो द्रव का दाब हम पूरा नहीं लिख रहे, वो बाजू में लिखा है आप लोगों के लिए HDG। तो दाब का मान हमने कितना दिया आपको, 400 पास्कल, ठीक है, 400 लिखा ना कि 460 लिखा है, अच्छे से लिख दें, अभी परेशान नहीं करते हैं आप लोगों के लिए ज़्यादा, सभी विषय पर ध्यान दें, हम तो साइंस की सहायता कर रहे हैं आप लोगों की। H का मान हम लोगों को निकालना है, तो H को H ही रहने देते हैं, फिर D का मान हम लोगों कितना दिया, 8 किलोग्राम मीटर क्यूब। आप लोग बोलेंगे समझो, तो घनत्व का सूत्र पढ़ रखा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वो बात भले आपने पढ़ रखा है, जैसे कुछ लोगों को GK में याद है, फिर साइंस में भी आपने याद रखा कर रखा है कि पृथ्वी का घनत्व है 5.5 या 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो भले वो आपको याद है, हमें कोई दिक्कत नहीं, सही याद है, ठीक है, लेकिन वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ऐसा ही मात्रक नहीं है। हम लोगों को फिर से ध्यान देना है, किलोग्राम किसका मात्रक है, तो द्रव्यमान का, द्रव्यमान का सही मात्रक किलोग्राम ही है, ना कि ग्राम है। उसी प्रकार से मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का है, दूरी का, तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक कौन है, मीटर, ना कि सेंटीमीटर। तो वो छोटे फॉर्म में दिखाने के लिए हम लोगों ने ग्राम का और सेंटीमीटर का यूज किया है, लेकिन ऐसा ही मात्रक ही आपको उपयोग करना है यहाँ पे। तो डी की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, 8, और जी का मान नहीं दिया है, तो हमें बोला आपको इसको तो याद करके जाना ही जाना है, 9.8। और कभी कभी परीक्षाएं यदि इसका आंसर नहीं मिलता आपको, जैसे हम इसी सवाल में देख रहे हैं कि अब सवाल करने में काफ़ी एनर्जी खर्च होने वाली है, कि आप 400 के बटे में इन दोनों को लेके जाओगे बटे में, तो 8 × 9.8, तो 8 से आपने इसको काटा, तो 8 से कट गया कितने बार, 50, 8×5=40, ठीक है, तो आपको थोड़ा ऊपर लिखते हैं बाजू में आके, तो आपको एच का मान जो है 50/9.8 मिल गया। अब इतना कठिन संख्या काटने को कौन बोलेगा, और ऊपर से हम लोग जाके जब ऑप्शंस को देखेंगे तो हम लोगों को ऑप्शन जो है पूर्णांक में ही देखने को मिल रहे हैं, 4, 5, 3, 5, 6 ऐसे कुछ ऑप्शन दिखे हैं। तो आप लोगों से कभी कभी ये आप लोगों ने पीछे की अपनी विज्ञान की किताबों में या फिर परीक्षाओं में या फिर पीछे 9th-10th में देख रखा होगा कि जी का मान जो है 9.8 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसको लगभग में कितना मान सकते हैं आप, 10 के बहुत करीब होता है ये, तो आप इसको 10 ले सकते हैं। तो यदि आपको इस प्रकार से ऑप्शन ना मिले तो आप इसको 50/10 के रूप में सॉल्व करके मात्र कितना आंसर लगा सकते हैं, 5, ठीक।